वोट पूछने वाली कोई बात नहीं, वोट सिर्फ कैदी नंबर 804 इमरान खान। अगर पैसे वगैरह की सोचता तो वो भी चले जाता इनकी तरह, उसकी भी कमर में दर्द हो जाना था, उसने भी भाग जाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक है, अल्लाह का करम। अच्छा, हमारा छोटा सा क्वेश्चन है कि इस बार आपका वोट किसका है? वोट पूछने वाली कोई बात नहीं, वोट सिर्फ कैदी नंबर 804 वोट तो बढ़ मतलब गया। मतलब इमरान क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वोट तो बढ़ गया, बढ़ गया। वोट सिर्फ इमरान खान का। अच्छा, उसकी वजह क्या? वजह यही है कि आप आंखों देखी मक्खी तो कोई खा नहीं सकता, ऐसे ही इनको कई बार आजमा लिया है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो सच्चा आदमी है उसको उन्होंने अंदर कर दिया। ये चलाना जरूर चलेगा, चलेगा हाँ, चलाना जरूर चलेगा ही। हम आपको बता के भी देंगे, अभी चलेगा। इमरान खान अच्छा, आपने इमरान खान को वोट देना, उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ईमानदार है, दयानतदार है, मुल्क के बारे में सोच, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। सही, वो ये नहीं सोच रहा कि मैंने कमाई करके बाहर जाना है, वो इधर ही है, ऐसे ही है। उसने मुल्क की खातिर सोचा, अगर पैसे वगैरह की सोचता तो वो भी चले जाता इनकी तरह, उसकी भी कमर में दर्द हो जाना था, उसने भी भाग जाना था। उसने जेल काटना मुनासिब समझा है, अच्छा समझा है अपने मुल्क के इन बच्चों के लिए बस। अच्छा, वो नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ दोनों भाइयों से आए हुए हैं, क्या कह रहे हो आप? पटवारी, पटवारी। अच्छा, ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ से आगे करो, ज़रा थोड़ा सा आगे करो, ये लग रहा सियासत के बारे में कुछ अच्छे जानता है, फ्यूचर है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप इमरान खान के बारे में? मैं बड़ा अच्छा बंदा है, वो उसको फौरन से फौरन जेल से निकालना चाहिए ताकि वो हमारे मुल्क के आगे सोच सके। अच्छा जी, इन बच्चों के बारे में सोचे, ठीक हो गया, ये हमारा फ्यूचर आने वाला। अच्छा, आप शहबाज शरीफ के बारे में क्या, नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? भाई देखिए, वो भी हमारे मुल्क के हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने सोचा कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, अपने लिए ही सोचा है, मैं वजीर आजम, आगे मेरा बेटा वजीर आजम। टोटल सियासत उन्होंने अपने मुल्क के अपने आपस में ही रखी है, कोई दिया उन्होंने किसी और को इकतदार? जिसको इकतदार दिया आज शाहिद खाकान अब्बासी उनसे फारिग हो गया, क्यों? क्योंकि उसने हक सच की बात करी। जो इनकी पार्टी में हक सच की बात करेगा उसकी छुट्टी करा देंगे। अच्छा, वो अलीम खान वगैरह ये वो सारे छोड़ के चला, ये छोड़ के क्यों गए? प्रेशर आप लोगों को भी पता है, सबको पता है, किसने छुड़वाया, क्या किया, कैसे आज पकड़ा जाता है, अगले दिन वो बयान दे देता है कि हम उधर चले गए। तो ये लोटों की पार्टी है, उन्होंने तो अपनी पार्टी भी बना ली है, बना ली है ना वो। अब देखे ना, ये इलेक्शन अगर इलेक्शन हुआ ना तो फिर देखना इनका हाल क्या होगा, अगर जनरल इलेक्शन हुआ। नहीं, वो जब फौज ले आई है उन दोनों भाइयों को तो भाई देखो, नाम अब जो नाम लेगा किसी एस्टेब्लिशमेंट का तो वो तो पकड़ा जाएगा, ऐसे ही है। तो मैंने तो घर जाके सोना भी अभी। अच्छा, तो फिर हम ऐसी गलत बात कोई कर नहीं रहे किसी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे, ये हमारा फ्यूचर है। इन्होंने इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देना है, अपने घर वालों को भी देना है, सब ने पीटीआई को वोट देना है, किसी से पूछ लें जी। बहुत शुक्रिया आपसे मिलकर, बहुत अच्छा। नवाज़ शरीफ़, नवाज़ शरीफ़, नवाज़ शरीफ़, नवाज़ शरीफ़, गली गली नवाज़ शरीफ़।